अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूबी किचन गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? ठीक ठाक हैं अमीरा? सब ठीक होंगे, हरिये से होंगे। तो फ्रेंड, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप सब लोग जानती होंगे कि जून में इस दफ़ा इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है ना। 22 जून इतना लंबा दिन था, यकीन करें, और इतनी गर्मी शदीद किस्म की कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस वजह से पौधे भी बेचारे स्ट्रेस में हैं। और इतनी गर्मी में आपको पता है कि पौधों के ऊपर ना ही तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है, ना ही अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो इसलिए तो मैं रूटीन से वीडियो भी नहीं बना रही, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ दिखाना तो अच्छा नहीं लगता। कोई भी कुछ इंटरेस्टिंग हो तो फिर बंदा दिखाए भी। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आज हम गार्डन की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि आज मौसम थोड़ा अच्छा है। बता रहे हैं कि बारिश होगी, इसलिए ना हवा चल रही है। तो मैंने सोचा कि चले गार्डन की थोड़ी सफाई कर लेते हैं। धूप की वजह से तो गार्डन में कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता। ये देखिए मेरे गार्डन में कितनी वो वीड्स वगैरह उगी हुई हैं, जड़ी बूटियाँ। तो उसी वजह से मैंने कहा आज इनको निकाल देती हूँ और सफाई सुथराई कर देती हूँ। मौसम अच्छा है इसलिए, वरना तो गार्डन में पता है बिल्कुल भी खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। मैं रोज़ाना सुबह 5 बजे आती हूँ, तकरीबन 1 घंटा पानी देने में मुझे लग जाता है, और बाकी मुझे थोड़ा सा अगर हो कि कर सकूँ काम तो करती हूँ, अदरवाइज नहीं तो मैं तो चली जाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त ही नहीं होती। तो चलिए इनको गार्डन की सफाई करके तो फिर आपको बताती हूँ कि गार्डन कैसा लग रहा है। ये देखें आप, बहुत ज़्यादा मैस पड़ा हुआ है। ये देखें कचरा वगैरह सारा, इनको भी समेटूंगी, और यहाँ पे जो जितनी भी जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं वो निकालेंगे। बाकी ये देखें गार्डन, बाकी तो तकरीबन ऑलमोस्ट ऑफ ही है, लेकिन जहाँ जहाँ पे ये उगी होंगी उनको निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये भी कोई जड़ी बूटी है, मुझे लगा शायद कोई ना फ्लावरिंग होगी वो मॉस रोज़ की तरह। इसके ऊपर ये देखें येलो कलर के छोटे छोटे से फ्लावर आ रहे थे, तो मैंने रहने दिया, लेकिन मुझे लगा कि ये नहीं सही, इसको निकाल लेंगे। ये खुद ही उगी हुई है, जहाँ जहाँ सीड गिरे थे मेरे मॉस रोज़ के, ये भी सारे उगे हुए हैं। कुछ ये भी पता नहीं किस किस्म की कोई जड़ी बूटी है, ये भी सारी निकाल लेंगे। सारे ये जो मेरे जितने भी पॉट्स वगैरह हैं सब में यही लगी हुई है, इनको खाली कर लेंगे। ये जो सदाबहार है, ये भी सीड खुद ही सीड से ग्रो हुआ है, जहाँ जहाँ इनके सीड गिर जाते हैं वो वहीं से ग्रोथ पकड़ लेते हैं। चलिए इनको साफ़ करते हैं पहले। जी फ्रेंड, तो मेरा काम हो गया ख़त्म। मैंने सारे पॉट्स में से सारी वीड्स जो जितनी भी उगी हुई थी जड़ी बूटियाँ सारी निकाल दी हैं। ये देखें बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कर दी है। देखें इनके अंदर ना काफ़ी सारी उगी हुई थी, तो इनको सबको निकाल के ये देखें पूरा रैक ये मैंने साफ़ कर दिया है। तो हमारा काम हो गया ख़त्म। वीडियो हम छोटी ही बनाएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ है ही नहीं है, बस गार्डन की सफाई करना थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में ना ही इतने ज़्यादा फ्लावर आ रहे हैं, ना ही कुछ सब्जियां वगैरह उग रही हैं। इसलिए इस महीने में आप कुछ भी ना लगाएं, सिर्फ अभी आप अपने गार्डन की केयर करें, इसकी सफाई करें, जो जो काम होने वाला है वो आप कर लें। जैसे कि ये देखें मैंने की है, इनको जो पॉट्स वगैरह को इनको इधर उधर शिफ्ट किया। तो आप भी जितने भी आपके काम पड़े हुए हैं रुके हुए हैं वो कर लें, बस इस गर्मी में इतना ही काफ़ी है। जब गर्मी होती होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न जब बारिशें वगैरह होंगी तो फिर हम लगा सकते हैं सब्जियों के सीड्स वगैरह भी, तो फिर हम केयर करेंगे, फिर वीडियो भी बनाएंगे और आपको अच्छी लगेगी। तो ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।